इन दिसंबर और या फिर जनवरी में एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ एक टूर जो कि हो सकता है शिमला या फिर मनाली या फिर कश्मीर का। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इन तीनों जगह में मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट मी। और एक चीज़ और है, अगर आपने अभी तक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके मुझे फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारी मैं अपडेट अपने डालता रहता हूँ, और यही सारी बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद, और एक छोटी सी वीडियो है जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं उन सभी लोगों के लिए। एक्चुअली जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस, तो क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी फूड ब्लॉग्स या फिर फूड वीडियोस बनाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े शॉप्स पे जाते हैं, तो वहाँ के खाना टेस्ट करके बोलते हैं कि अच्छा है। क्या है कि मैंने क्या देखा है कि आजकल क्या हो गया है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला सिस्टम मैंने काफ़ी सारी जगहों पे मेरे को देखने को मिल रहा है। मैंने एक वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वीडियो बनाई थी अल जवाहर रेस्टोरेंट की। जब मैं लास्ट टाइम दिन वहाँ गया था अल जवाहर रेस्टोरेंट में, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बोला है बोलता है कि यहाँ के इस खाना काफ़ी अच्छा है, जो भी चीज़ें थी। और उस वीडियोज़ को देखने के बाद मैं वहाँ पर जाता हूँ, और वहाँ पर मैंने खाना खाया, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो एक इस कि मैं वीडियो देखने के बाद जाता हूँ वहाँ पे, और मैंने ट्रस्ट किया उसकी वीडियोस पे, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता है। क्या होता है कि जितने भी फूड ब्लॉगर्स, मैं मोस्टली सब तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे खाने का जो टेस्ट है कैसा है, नहीं कैसा नहीं है। उनके माइंड में ये चल रहा है कि बड़ी दुकान है तो खाना अच्छा ही होगा। अगर मैं बात करता हूँ पराठे वाली गली में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ के मोस्टली दुकानों पे मैंने करीबन 7 से 8 पराठे वाले शॉप्स पे मैंने खाया है पराठा, बट वहाँ के जो पराठों का टेस्ट है उतना अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बढ़िया पराठे आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं। पहली चीज़ वहाँ क्या होता है कि फीलिंग को तवे बेल के तवे पे नहीं बनाया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, कढ़ाई में डीप फ्राई किया जाता है। एक तरह देखा जाए तो वो कचौड़ी है, जैसे नटराज है चांदनी चौक के अंदर दही भल्ले वाले, उनके दही भल्ले काफ़ी अच्छे हैं। तो आप जो उनके नाम अच्छे हैं काम अच्छे हैं उनको बोला जाए, जिनके नाम अच्छे हैं काम अच्छे नहीं है, एक फेमस जलेबी वाला है कोने पे चांदनी चौक के अंदर, हालांकि अभी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ नीचे दे दूंगा। उनके समोसा मैंने खाया, काफ़ी शुद्ध घी के जलेबी बनाते हैं चांदनी चौक के अंदर, जो ज्वेलरी मार्केट है जौहरी बाज़ार उसके कोने पर लगाते हैं, वो जलेबी बेचते हैं शुद्ध जलेबी। उनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी, और उनके पास मिल जाएगा शुद्ध घी के फ्राइड समोसे। तो एक बार मैं गया हुआ था वहाँ पे चांदनी चौक पे, जो मैंने देखा कि समोसे मिल रहे हैं, मैंने कहा एक बार टेस्ट किया जाए कैसा है कैसा नहीं। करीबन अप्रोक्स जो समोसा था मुझे पड़ा 20 रुपीज़ के आसपास का, और 20 रुपीज़ का समोसा अप्रोक्स 20 या 25 के आसपास था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इतना याद नहीं है। तो जब उस समोसे को मैंने खाया मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतना बड़ा नाम, इतनी पुरानी दुकान, करीबन अप्रोक्स 100 ईयर्स पुरानी दुकान है, और हालांकि उसकी मैंने जलेबी इसलिए टेस्ट नहीं करी क्योंकि मुझे समोसे को अच्छा लगा ही नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें बना रहे हैं वो जाहिर सी बात है उनके बारे में आप सच बोलिए, और जो बड़े नाम हैं और खाना अच्छा नहीं बना रहे हैं तो उनके बारे में भी सच बोलिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी फूड रिव्यूज़ बनाने वाले, और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं, एक छोटा सा मैसेज कि आप सिर्फ बड़े नामों की शॉप या फिर रेस्टोरेंट पर ना जाएँ, कुछ और लोगों के बारे में भी देखिए, जो इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़िया खाना बनाते हैं, बढ़िया टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो यही सारी बातें आप सभी लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।